अहम खबर आपको दें, बंद रोड बत्ती चौक, आज़ादी फ्लाईओवर, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, सर्कुलर रोड, एक मोरिया पुल पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। मजीद किन इलाकों में ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज़ मलिक से। जी फयाज़ मलिक, बताइएगा। बिल्कुल, इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का जो सिस्टम है उसको बहाल कर दिया गया। निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बहाली की जानी आ रही है। इस वक्त शहर की जो अहम तरीन शाहरा है बंद रोड, इसके साथ साथ आज़ादी फ्लाईओवर, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, और अगर इसके साथ ही अगर हम जाएँ तो बदामी बाग की तरफ जाने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक जो है वहाँ निज़ाम बहाल कर दिया गया है। जबकि शहर की सबसे बड़ी रोड सर्कुलर रोड जो है उसके पूरे राउंड अबाउट की ट्रैफिक भी जो है वो बहाल कर दी गई है, जिसमें एक मोरिया पुल, देमोरिया पुल, मैकलोर रोड, रेलवे स्टेशन, मिनकुमरी रोड, ग्वाल मंडी, इसी तरह न्यू हॉस्पिटल, हार रोड चौक, जीपीओ चौक में भी जो है ट्रैफिक का सिस्टम जो है वो बहाल कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार होना शुरू हो गई है। जी फयाज़ मलिक, ये भी बताइएगा कि शादरा मोड़ भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, शादरा बेगमकोट सगिया की तरफ से भी जो है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहाल हो गया है। इसी तरह अगर हम शादरा से पुराना रावी पुल से होते हुए रिंग रोड इंटरचेंज की जानी आएँ या फिर सब्जी मंडी की जानी आएँ तो वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक बहाल हो गई है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो शुरू हो गई है। जी